हमारे इसरो के समस्त वैज्ञानिकों ने भारत माता का जो भारत माता के चरण चंद्रमा पर पहुंचाए हैं उसके लिए सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई, बिलासपुर वासियों को हार्दिक बधाई, और मैं सभी बिलासपुर वासियों की तरफ से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भारत को महाशक्ति के रूप में पहुंचाने के लिए भारत को चंद्रमा पर पहुंचाया है उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। 4 साल जो उनकी आंखों ने सपना देखा है उस सपने को कल उन्होंने साकार किया है उसके लिए फिर से वो बधाई के पात्र हैं। इसरो पर हमें गर्व है, इसरो ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक नासा न कर सकी, जो रूस की कॉस्मो नहीं कर सकी, वो भारत की इसरो ने, हम इसरो ने किया है। टीम के सफल लैंडिंग पर भारत वासियों की तरफ से हार्दिक बधाई, आप सभी भारत वासियों को बधाई। इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत को जहाँ भारत के झंडे को जहाँ चंद्रमा पर पहुँचाया है उस कड़ी में आज बिलासपुर में हजारों युवाओं ने अपनी भागीदारी देकर उनको बधाई दी है। मैं सब युवाओं को और सब बिलासपुर के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज जो वैज्ञानिकों के प्रति अपनी जो अपना धन्यवाद प्रकट किया है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले 4 साल तक अनथक प्रयास करते हुए जो आज भारत को चंद्रमा पर पहुंचाया है उसका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी के नेतृत्व को, धन्यवाद इस वैज्ञानिकों को, साधुवाद। आज पूरे छोटे से छोटा बच्चा आज भारत की इस गौरवमयी उपस्थिति के लिए अपना सीना चौड़ा करके घूम रहा है। वैज्ञानिकों ने कर दिखाया, ये आज और कुछ नहीं इस कार्यक्रम बिलासपुर के सभी युवा वर्ग, सारे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी और सभी लोग मिलकर आज उन वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं कि आपने जो भारत का नाम पूरे विश्व में डंका बजाया है उसके लिए आपको हमारी तरफ से धन्यवाद, देश के करोड़ों लोगों की तरफ से धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है 6:04 पे कल हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे थे और उस समय एक ही नाम चला था कि चांद हमारा हुआ। उस चांद हमारा हुआ के उस उपलक्ष्य पर
आज यहाँ हम भारतीय संस्कृति के मुताबिक हलवा भी बांटेंगे और देश के वैज्ञानिकों को अपनी बधाई भी देंगे और उनको साधुवाद भी देंगे कि जो आपने भारत के लिए कर दिखाया है वो आने वाली सदियां याद रखेंगी कि अगर चंद्रमा में कोई गया तो सबसे पहले भारत के वैज्ञानिकों ने भारत का तिरंगा उस चंद्रमा पर पहुंचाया है। 6:04 पर मेरा निवेदन रहेगा हमारे सभी सहयोगियों से कि पहले वो यहाँ से हम थोड़ा सा आतिशबाजी करेंगे, उसके बाद हम हलवा बांटेंगे और उसके बाद बच्चे यहाँ पर खुशी से डांस करेंगे खुल के। हमारा डीजे लगा है, भारत की खुशी में बिलासपुर भी कहाँ पीछे रहने वाला है, बिलासपुर भी सबसे आगे बढ़कर भारत की खुशी में, वैज्ञानिकों की खुशी में अपना सहयोग देगा। आविष्कार हुए भारत की धरती से ही शुरू हुए हैं, वो कल दिखाया है जहां भारत 75 साल अपने स्वतंत्रता दिवस के स्वर्णिम 75 साल मना रहे हैं। 75वें वर्ष में हम यहां पर इस उपलब्धि पर पहुंचे, आप सब बधाई के पात्र हैं। सबसे निवेदन करता हूं कि अंदर आ जाएं और भारत के वैज्ञानिकों ने जो एक कारनामा कर दिखाया है, पूरे विश्व में जो अपना डंका बजाया है, उस डंके पर जोरदार तालियां उन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने हमारा देश का झंडा केवल भारत के हिमालय विश्व की चोटियों पर ही नहीं फहराया और उस आसमान को चीरते हुए चंद्रमा तक ले गए। आज हम सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लोग आ भी रहे होंगे, बीच में खाली होता है कि पिछले 4-6 घंटे से सुबह से लाइट नहीं है कि हम भारतवासियों के लिए स्वर्णिम पल जो पिछले कल आया था उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप कृपया करके अंदर आ जाएं और इस गौरवमयी क्षणों में हम सबका सहयोग दें और इन वैज्ञानिकों को अपनी शुभकामनाएं दें जिन्होंने लगातार 4 साल 1919 में जब 4 साल जो उनकी आंखों में सपना देखा है उस सपने को कल उन्होंने साकार किया है, उसके लिए फिर से वो बधाई के पात्र हैं। इसरो पर हमें गर्व है, इसरो ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक नासा ना कर सकी, जो रूस की कॉस्मो नहीं कर सकी, वो भारत की इसरो ने, हम सबसे मेरा निवेदन है कि आप अंदर आ जाएं। आज 6:04 पर हमारे अपने रॉकेट में सभी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहेंगे। आज हमारे साथ हमारी नन्ही मन्नी बहनें, छोटी बहनें, मातृशक्ति भी हमारे बीच में है। कल आपको मैं बता दूं कि उस प्रोजेक्ट की एसोसिएट महिला ही थी, जो इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, एसोसिएट डायरेक्टर, वो महिला ही थे। और जो सोमनाथ जी जो इसरो के चेयरमैन हैं, उनको अगर इंग्लिश में उनका नाम खोजा जाए तो वो लॉर्ड ऑफ मून माना जाता है। तो लॉर्ड ऑफ मून ने अपने भरसक प्रयत्नों से आज हमें चंद्रमा पर पहुंचा दिया, भारत चंद्रमा पर पहुंचा है। जय हिंद, जय भारत।
सेवा लेके जाए, इतनी देर आपने वहां पे बस रोकी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत को भारत के झंडे को जहाँ चंद्रमा पर चढ़ाया है, उस कड़ी में आज बिलासपुर में हजारों युवाओं ने अपनी भागीदारी देकर उनको बधाई दी है। मैं सब युवाओं को और सब बिलासपुर के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज जो वैज्ञानिकों के प्रति अपनी जो अपना धन्यवाद प्रकट किया है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले 4 साल तक अनथक प्रयास करते हुए जो आज भारत को चंद्रमा पर पहुंचाया है, उसका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी के नेतृत्व को, धन्यवाद इस वैज्ञानिकों को, साधुवाद। आज पूरे छोटे से छोटा बच्चा आज भारत की इस गौरवमयी उपस्थिति के लिए अपना सीना चौड़ा करके घूम रहा है। इस कार्यक्रम में अभी तक बैठे रहे, हमारे पास आतिशबाजी का दौर अभी बाकी है, थोड़ी सी शाम होने दे, तब तक बच्चे एंजॉय करें, डांस करें, क्योंकि पिछले कल ही भारत चंद्रमा पर पहुंचा है, तो ये खुशी का माहौल चलते रहना चाहिए। वैज्ञानिकों को हम बिलासपुर वासियों की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि जिन्होंने हमारे चंद्रयान 3 का एक सफल हमारा परीक्षण वहां हुआ और सबसे पहला देश भारत बना जिसने कि चंद्रयान पे भारत का झंडा बुलंद किया। धन्यवाद। टीम के सफल लैंडिंग पर भारत वासियों की तरफ से हार्दिक बधाई, आप सभी भारत वासियों को बधाई। हमारे इसरो के समस्त वैज्ञानिकों ने भारत माता का जो भारत माता के चरण चंद्रमा पर पहुंचाए हैं, उसके लिए सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई, बिलासपुर वासियों को हार्दिक बधाई, और मैं सभी बिलासपुर वासियों की तरफ से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भारत को महाशक्ति के रूप में पहुँचाने के लिए भारत को चंद्रमा पर पहुँचाया है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। इस दौरान हमारा लास्ट ये कार्यक्रम और आतिशबाजी करते हुए वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे।